नॉर्थ गोवा का पता है सबसे पॉपुलर बीच कौन सा है? इट इज़ द कलंगट बीच। और कलंगट बीच इतना पॉपुलर है कि वहाँ के रिजॉर्ट्स के प्राइसेस भी उतने ही हाई रहते हैं। सो अगर आपको कलंगट बीच पे ही रिजॉर्ट चाहिए और बजट में भी होना चाहिए और ग्रीनरी भरा होना चाहिए, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू कुक ईट वॉन्डर। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ इस समय नॉर्थ गोवा में। सो मैं नॉर्थ गोवा का एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अफोर्डेबल रिजॉर्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऑल्सो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो इस रिज़ॉर्ट का नाम है कलंगट रेजिडेंसी। ये GTDC के तरफ से है। सो इट्स अ गवर्नमेंट रिज़ॉर्ट और काफ़ी अच्छे लोकेशन पर भी है। रिजॉर्ट इज रियली ग्रीन। आपको हर जगह प्लांट्स एंड ट्रीज एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर्स वगैरह दिखाई देंगे। द एटमॉस्फेयर इज वेरी 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 नाइस एंड नेचुरल। ऑल्सो कार पार्किंग एरिया भी इनका काफ़ी ह्यूज है, तो आप आराम से अपनी गाड़ी लेके आ सकते हो, यहाँ पे पार्किंग कर सकते हो। देर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट योर पार्किंग एंड ऑल। एंड ऑल्सो इनके पास अदर एक्टिविटीज़ भी है, तो उसके लिए भी इन्होंने एक नंबर प्रोवाइड किया, नीचे आप नोट डाउन कर सकते हो और ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो रिजॉर्ट वाले ही सारे अरेंजमेंट आपके लिए कर लेते हैं। ये इनका रिसेप्शन एरिया है और अंदर जाके भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ देयर रिसेप्शन एरिया। रिसेप्शन एरिया इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूज। और यहाँ पे सिंपली आपको अपना बुकिंग डिटेल्स दिखाना है। लाइक हमने ऑनलाइन बुकिंग की थी। अगर आप इनके नोटिस बोर्ड में देखोगे तो यहाँ पे 3,300 रुपीज़ मेंशन किया है एक रूम का, बट हमें ऑनलाइन ये बस 2,533 में पड़ा है पर डे। सो मेक श्योर कि आप ऑनलाइन भी रेट्स चेक करिए बिफोर कमिंग, बिकॉज ऑफलाइन रेट तो आपने देख लिया। अगर ऑनलाइन आपको इससे ज़्यादा सस्ता मिलता है तो वहाँ से बुकिंग करिएगा। एंड नाउ रिसेप्शन के राइट साइड में है इनके रूम्स जाने का रास्ता। लेट्स गो इन। तो वो एंट्रेंस गेट है, वहीं से हमने एंट्री मारी थी और वहाँ पे हमारी क्रेटा खड़ी है। सो हम लोग का रूम फर्स्ट फ्लोर पे है एंड दिस इज आवर रूम, रूम नंबर A6 आई गेस, या A6। तो रूम मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। एंड ये देखिए आउटसाइड व्यू। तो कलंगट बीच वहाँ पर है एंड दिस इज़ द रूट। सो आपको ये व्यू मिल जाता है, दैट इज़ द पार्किंग एरिया अगर आप ओनली कलंगट बीच आ रहे हो। बट अगर आप इस होटल में रुक रहे हो तो आपका पार्किंग अंदर रहेगा, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया। सो ऐसे ही मॉर्निंग में आकर यहाँ खड़े होने में ही मज़ा आता है, तो यहाँ पर भी आप खड़े हो सकते हो। अंदर बालकनी भी है, सो विल गो इन। एंड ऑल्सो न्यूज़पेपर वगैरह भी प्रोवाइड किया है, लेट्स गो इन। सो ये रहा हमारा रूम। आपको यहाँ पर एक डबल बेड मिल जाएगा। देर इज़ फैन, देर इज़ AC, सारी बेसिक नेसेसिटीज़ का ध्यान रखा है। रूम इज़ नीट एंड क्लीन, ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है, सिंपल सा रूम है बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट रिजॉर्ट। और जहाँ तक मैंने देखा है गवर्नमेंट रिजॉर्ट्स काफ़ी सिंपल होते हैं, लेकिन हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है और काफ़ी अच्छे कंडीशन में भी रहता है। फर्नीचर्स आर ऑल ओल्ड फैशन, बट ऐसा कुछ टूटे फूटे कंडीशन में नहीं है, इट्स ऑल इन परफेक्ट कंडीशन। यहाँ पर आपको एक वार्डरोब भी मिल जाएगा विथ हैंगर्स टू यू नो हैंग योर क्लोथ्स एंड ऑल, और काफ़ी डिसेंट साइज़ का है। आप आराम से अपना सामान इसके अंदर रख सकते हो। सो दिस इज द रूम एंड इट्स वेरी वेरी स्पेशियस गाइज। यहाँ पे इन्होंने एक केटल भी प्रोवाइड किया है, सो अगर आपको पानी गर्म करना हो, चाय बनाना हो, सबका अरेंजमेंट है, सो यू कैन डू दैट। एंड ऑल्सो हर रूम में आपको TV भी मिल जाएगी। इस प्राइस में आपको एयर कंडीशन रूम मिलता है, वो भी इतना स्पेशियस, इट्स रियली गुड। और ऑल्सो यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल भी है। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का वॉशरूम। इट्स ऑल बेसिक, नथिंग वेरी फैंसी, लेकिन वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है और टिश्यूज़ वगैरह सब कुछ रखा है, टाइल्स वगैरह भी है। सो हर चीज़ का ध्यान रखा है, बट इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी अफोर्डेबल, बजट फ्रेंडली फैमिली रिजॉर्ट। इस रूम के लिए हमने पे किया है 2,533 रुपीज़ पर डे। हमने दो दिन की बुकिंग की है तो हमारा टोटल प्राइस पड़ा है 5,066 रुपीज़। और ये हाई डिमांड पे रहती है, तो अगर आप रहना चाहते हो तो प्लीज़ अपनी बुकिंग टाइम पे कराइएगा। ये इनकी बालकनी है, रूम इज़ वेरी ह्यूज, आपने देख ही लिया। बालकनी इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूज।
सो आइए। सो बालकनी में आपको कपड़े सुखाने के लिए ये रैक भी मिल जाएगा, क्योंकि गोवा में वेरी इंपॉर्टेंट है, आप स्विमिंग पूल में जाके आओगे, बीचेस में जाके आओगे, तो रैक तो जरूरी है। सो बालकनी भी आप देखिए बहुत बड़ा है साइज में, और दो चेयर्स भी प्रोवाइड किया, आप डिनर वगैरह यहाँ पे बैठ के भी कर सकते हो, तो आप यहाँ पे बैठ के चिल मार सकते हो। यहाँ से जो व्यू है, दिस इज द होल व्यू, लेकिन मुझे वहाँ पे हल्का सा बीच भी दिखाई दे रहा है, यू कैन सी प्रॉपरली, और उधर भी देखिए हल्का सा बीच दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कैसा है ना, बहुत सारे पेड़ वगैरह है, अगर ये पेड़ नहीं होते तो आपको बीच अच्छे से दिखाई देता, बट स्टिल दिस इज नाइस, आई लव द व्यू, इट्स वेरी नेचुरल। टाइम टू हैव सम चाय, और हमने चाय रूम में ही मंगवा ली, और ब्रेकफास्ट के लिए बाहर जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे इन हाउस रेस्टोरेंट भी है इनका, वाइट बीच रेस्टोरेंट नाम का, तो आप चाहो तो रूम में भी अपना खाना मंगा सकते हो, बट हमने सोचा कि बीच इतना पास है तो आराम से शैक में बैठ के आराम से बढ़िया ब्रेकफास्ट करेंगे। इस वीडियो में मैं बस रिजॉर्ट के बारे में दिखाने वाली हूँ, तो आपको बस रिजॉर्ट की चीज़ें दिखाई देंगी, और जो भी हम बाहर जाते हैं घूमते हैं उसके वीडियोज़ अपकमिंग वीक्स में आपको देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन को भी बजाना मत भूलिएगा ताकि सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सो ये इनका है स्विमिंग पूल, यहाँ पर हम लोग शाम को आएंगे थोड़ा सा चिल मारने, एंड यहाँ पर चेंजिंग के लिए रूम्स एंड ऑल्सो शावर वगैरह लेने के लिए रूम्स वगैरह भी है, एंड इवो इज़ ऑल सेट फॉर हर स्विमिंग टाइम, लेट्स गो इन। तो स्विमिंग पूल इज़ लाइक अ मीडियम साइज्ड पूल, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट देन इट्स अ डिसेंट साइज। ऑल्सो मुझे थोड़ा नीटनेस का हल्का सा कमी लगा, लाइक नॉट वेरी डर्टी और एनीथिंग लाइक दैट, बट येस थोड़ा और इसको क्लीन मेंटेन किया जा सकता था। सो वी आर गोना हैव सम पूल टाइम, मुझे स्विमिंग नहीं आती है, सो आई एम जस्ट हैविंग फन ऐसे ही, और इवानका के लिए हमने एक ट्यूब खरीदा था यहीं से, सो शी इज़ गोना हैव अ पूल टाइम टू, और इवानका को पूल टाइम बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो ओवरऑल वी हैड सो मच फन इन द पूल एज वेल एज द रिजॉर्ट, और ये मेरे हिसाब से काफ़ी बजट फ्रेंडली और बहुत ही बढ़िया रिजॉर्ट है, अगर आप नॉर्थ गोवा में स्पेशली कलंगट बीच के पास अगर रिजॉर्ट देखना चाहते हो, सो दिस इज़ वन ऑफ दोज रिजॉर्ट मैं दोबारा आना चाहूँगी, एंड आपके लिए भी मैं 100% रिकमेंड करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, आई होप आज का वीडियो आप लोगों ने इन्जॉय किया, और अगर इन्जॉय किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिए। अपकमिंग वीडियोज़ में हम लोग काफ़ी सारे प्लेसेस ट्रैवल करने वाले हैं गोवा के, नॉर्थ गोवा एज वेल एज साउथ गोवा, काफ़ी सारे ऑफ बीट लोकेशंस भी रहेंगे, सो आप देखना मत भूलिएगा, एंड डेफिनेटली मेरा वीडियो है तो काफ़ी सारा फूड भी रहेगा, सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वीडियोज़ टू कम अप गोवा के, और सो या कीप वॉचिंग, अपना प्यार देते रहिएगा, सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।